मेरे पास इंटीग्रेट करने के लिए क्या फंक्शन है, आई इक्वल टू एक्स रूट अंडर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि जब भी रूट के अंदर में कोई फंक्शन हो तो तुम सोचो कि हम उसी को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो रूट के अंदर वाले चीज को सब्स्टिट्यूट करें तो वन क्या है तुम्हारे पास, पुट कर लो, क्या है तुम्हारे पास, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब ना इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन का जीरो, ठीक है, टू तुम्हारे पास है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू एक्स, और इधर क्या आ रहा है तुम्हारा, डी टी बाई डी एक्स, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में, हम एक्स को ये डी एक्स को उठा के यहां ले आते हैं तो टू टू जा फोर एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो हमको चाहिए क्या, एक्स डी एक्स, तो ये फोर को हम लोग यहां डिनोमिनेटर में लेके चले आते हैं, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाय फोर डी टी। तो अब देखो मेरे पास वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी माने, इसको टी माने तो एक्स डी एक्स मेरे पास कितना आ रहा है, वन बाय फोर डी टी। तो मेरे पास जो अब फंक्शन है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है वो है आई इक्व टू रूट अंडर, इसके अंदर का चीज वन प्लस टू एक्स स्क्वायर क्या लिख रहे हैं, टी, और एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स क्या है तुम्हारे पास, वन बाय फोर डी टी, वन बाय फोर डी टी। तो वन बाय फोर तो क्या रहा, कॉन्स्टेंट, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट से बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो वन बाय फोर इंटीग्रेशन, रूट टी को क्या लिखते हैं हम लोग, टी टू दी पावर वन बाय टू, तो रूट टी को लिखते हैं टी टू दी पावर वन बाय टू डी टी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, देखो क्या है तुम्हारे पास, आई इक्वल टू वन बाय फोर टी टू दी पावर वन बाय टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास, आई इक्व टू वन बाय फोर और टी टू दी पावर वन बाय टू प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री बाय टू, और यहां भी क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो तो मेरे पास अब क्या आ गया, वन बाय फोर, थ्री बाय टू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा, थ्री बाय टू और टी टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस सी, ठीक है। तो यहां से टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, वन बाय सिक्स, और t क्या है मेरा ओरिजिनली, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस सी, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, नोट करो।